जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने सोमवार को अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया, जिसका नेतृत्व सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह ने किया। अभियान के तहत पैडलेगंज से लेकर नवीन फल मंडी तक अतिक्रमण हटाया गया तथा सड़क के पटरियों के किनारे किए गए अवैध अस्थायी निर्माण को ध्वस्त किया गया और कुछ अतिक्रमणकारियों का चालान भी किया गया। अभियान के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह ने कहा, अभी सब चलान होगी, गाड़ी है चलान करो इसका सर फटाफट। चौराहे से नौसड़ का जो रोड है दोनों साइड में हटवाया जाएगा। ये मुख्य मार्ग है, इस पर आए दिन जो है अतिक्रमण की वजह से कभी कभी जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जो भी रोड के दोनों तरफ अस्थायी अतिक्रमण है, जैसे कुछ लोगों ने टीन शेड लगा के गैराज खोल लिया है, उसको एज ए डंपिंग स्थल के रूप में भी यूज कर रहे हैं और अस्थायी दुकानें बना ली हैं, जिससे आए दिन जाम की समस्या होती है। पूरे नगर निगम की टीम इसमें ट्रैफिक साफ भी है, हम लोग इस बार अटवा रहे हैं और यह अभियान निरंतर चलता रहे। बाकी हम लोग नोटिस भी दे रहे हैं, 35 या 30 कार्रवाई कर रहे हैं।